हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला वाला हूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेश अगले ट्रेडिंग डे के लिए क्या भाव के होने वाले हैं इससे पहले हम देख लेते हैं आज का कारोबार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर तो यह हमें जो भाव देखने को मिल रहा वह है सात हज़ार चार सौ सैंतालीस रुपये पचास पैसे का आज जो गिरावट हमें देखने को मिला है इसी स्टॉक्स में वह है पैंतीस रुपये पचास पैसे का परसेंटेज में हम देखेंगे तो जीरो दशमलव फोर सेवन प्रतिशत का गिरावट आज इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है दोस्तों यह स्टॉक आज ओपन हुआ था सात हज़ार पाँच सौ बीस रुपये के भाव में हाई बनाया सात हजार पाँच सौ पैंतालीस रुपये का और लो हमें देखने को मिला सात हज़ार चार सौ अठारह रुपये का इसका करंट पी रेशियो हम देखेंगे तो पचपन दशमलव चार दो का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है जो कि करंट में है अब हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं चलिए चलते हैं चार्ट किर मैं चार्ट में आ गया हूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर मैंने पिछले दिन ही कुछ लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आज भी कोई चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिला है तो कल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं ऊपर की ओर हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस को पहले तो रेजिस्टेंस वन पहला रेजिस्टेंस ऊपर की ओर इम्पोर्टेंट रहने वाला है वह वा है सात हज़ार पाँच सौ पचास रुपये का ये है रेजिस्टेंस वन ऊपर की ओर के लिए बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस हमें ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है इस भाव का और रेजिस्टेंस टू की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस टू जो हमें देखने को मिल रहा हुआ है वह है सात हजार छः सौ पचास रुपये का ये हो गया रेजिस्टेंस टू अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके स्टॉक्स का प्राइस ऊपर की ओर निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो काफ़ी दूर है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में भी यह स्टॉक इसी रेंज में फंस के रह जाएगा ऊपर की ओर तो कोई मूव देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन मार्केट का क्या कहना अगर बुलिस पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ बनता है तो इन दोनों रजिस्टेंसों को क्रॉस करके अगला रजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वह होगा सात हज़ार आठ सौ पचास रुपये का तो दोस्तों कल के लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस आप अपने माइंड में रख सकते हैं पहला रेजिस्टेंस होगा 7550 का रेजिस्टेंस दूसरा है 7650 का और रेजिस्टेंस तीसरा हमें देखने को मिलेगा वह होगा 7850 का अगर ऊपर की ओर यह स्टॉक निकलता है तब की बात है अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट नीचे की ओर पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है एस वन मैं लिख लेता हूँ वह होगा सात हज़ार चार सौ पंद्रह रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की ओर देखने को मिल रहा है अगर यह ब्रेक होता है तो नीचे की ओर हमें सपोर्ट टू जो देखने को मिल रहा हुआ होगा सात हजार दो सौ ग्यारह का तो कल के दिन पे मैं अपना व्यू हम बनाएंगे तो नीचे की ओर का ही बना रहे हैं कल के लिए सेल साइड मेरा व्यू बनाऊंगा मैं अगर यह स्टॉक नीचे की ओर निकलता है तो ही मैं ट्रेड लूंगा और सात हजार चार सौ पंद्रह के नीचे कुछ देर टिक जाता है कुछ देर ट्रेड होने लगता है तभी हम अपना पोजिशन बना के जा सकते हैं तो एक लंबा गिरावट देखने को मिलेगा जो कि सात हज़ार दो सौ तक हमें ले आ सकता है इसके भाव को तो कल के लिए इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट या सेल प्राइज़ हम बोलें तो सेल प्राइज़ होगा सात हज़ार चार सौ पंद्रह के नीचे इस तरीके से और स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में सेल प्राइज़ जो होगा वह होगा सात हज़ार पाँच सौ पचास रुपए का और टारगेट प्राइस हमारा जो होगा वह होगा सात हजार दो सौ के करीब का तो यह हो गया कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड स्टॉप लॉस सेल प्राइस एंड टारगेट भी मैंने आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखाएं अब चलिए हम चल जाएंगे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के वेबसाइट में वहाँ कुछ इंडिकेटरों के सिग्नल निकल के आते हैं उन सिग्नलों को देखेंगे और ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे कि हम अपना व्यू किस तरीके से किधर बनाए उन इंडिकेटरों के जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं उनके माध्यम से तो मैं आ चुका हूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के वेबसाइट में नीचे हम आ जाते हैं टेक्निकल मैंने लगा रखा है यह हम वन आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे वन आवर के टाइम फ्रेम में ऊपर की ओर मूविंग एवरेजेज के जो सिग्नल है वह हमें स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल दिखा रहे हैं इसके बाद मोमेंटम वाले जो इंडिकेटर हैं उनमें भी स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है ट्रेंड वाले जो इंडिकेटर हैं वहाँ से भी हमें सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है और बोलेटिटी वाला जो इंडिकेटर है उससे भी हमें स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के जो सिग्नल हैं वे हमें सेल के दिखा रहे हैं एक एक करके हम देख लेते हैं मूविंग एवरेज में आते हैं पहले पहला एम ए फाइव एम ए टेन एम ए ट्वेंटी एम ए फिफ्टी एम ए वन हंड्रेड एम ए टू हंड्रेड फ्रेंड्स ऊपर की ओर एम ए फाइव से लेकर एम ए वन हंड्रेड तक हमें सेल के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज में ये सिंपल मूविंग एवरेज है उसके बाद उसके बगल में दिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहाँ भी एम ए फाइव से लेकर एम ए वन हंड्रेड तक जो सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं वे सेल के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं तो हम अपना व्यू भी सेल साइड ही इन इंडिकेटरों के हिसाब से भी रखने वाले हैं उसके नीचे एम ए टू हंड्रेड जो है वह ओनली बाई का सिग्नल दे रहा है हमें उसके नीचे हम आ जाते हैं मोमेंटम वाले जो इंडिकेटर हैं उनमें यहाँ हमें आर एस आई न्यूट्रल सिग्नल दिखा रहा है उसके नीचे स्टोकास्टिक नाइन सिक्स सेल का सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है उसके नीचे स्टोकास्टिक आर एस आई ओवरबॉड का सिग्नल दिखा रहा है विलियम्स आर सेल सिग्नल है सी सी आई सेल सिग्नल है आर ओ सी का सेल सिग्नल है उसके नीचे हम आ जाते हैं तो अल्टीमेट ऑसिलेटर है इसका भी जो सिग्नल है वह सेल का सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है नीचे की ओर हम एक एक करके चेक करेंगे तो ट्रेंड वाले जो इंडिकेटर हैं उनमें हम आ जाते हैं यहाँ एम एस सी डी ट्वेल्व एंड ट्वेंटी सिक्स सेल का सिग्नल है उसके बाद ए डी एक्स फोर्टीन जो है वह न्यूट्रल सिग्नल है उसके नीचे बुल या बियर पावर थर्टीन जो है उसका भी जो सिग्नल है वह सेल का ही हमें देखने को मिल रहा है उसके नीचे हम आ जाते हैं बुलेटलीटी वाले में यहाँ बुलेटली वोलेटिटी वाला जो इंडिकेटर है उसका लेस वोल्टिटी ए टी आर फोर्टीन हमें दिखा रहा है हाई एंड लो फोर्टीन हमें सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है तो दोस्तों ये तो हो गए इम्पोर्टेंट इंडिकेटरों के जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं इन सभी के जो सिग्नल्स हैं वे अभी हमें स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल दिखा रहे हैं साथ ही मैं अपना व्यू भी सेल साइड ही रखने वाला हूँ कल के दिन पर मैंने आपको चार्ट में ही इम्पोर्टेंट इंटरप्राइज स्टॉपलेस प्राइज एंड टारगेट प्राइज बता रखे हैं वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही आप अपना व्यू किस किस साइड रखने वाले हैं इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद